Now we'll discuss modes of reproduction used by single individuals. ठीक है, single individuals का मतलब क्या होता है कि unicellular. ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हुई है, जो यूनिसेल वाले ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा मोड यूज करते हैं. ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल मतलब यूनिसेल या बैक्टीरिया वायरसेस वाली जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. एक ही सेल है सोचिए आप, तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा अपनी. ओके, तो इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. और ये जो मोड है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल. वैसे रिप्रोडक्शन तीन तरह की होती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, लेकिन मेनली दो कैटेगरीज कंसिडर कर लेते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. ठीक है, तो ये आप एसेक्सुअल में कंसिडर कर लीजिए. ठीक है, कुछ पार्ट्स इसमें वेजिटेटिव के भी हैं बट स्टिल कंसिडर देम एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सम हाउ दे आर सिमिलर. सो फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, दो हिस्सों में बंट जाना. ओके, फ्रेगमेंटेशन होता है टूटना, बिखर कर टूट जाना. ये है डिवाइड होना, ये है बिखर कर टूट जाना. एक होता है रीजनरेशन, मीन्स दोबारा पैदा होना. ओके, बडिंग, बडिंग क्या होता है कि कोई एक सेल ऑलरेडी था और इसके ऊपर ये छोटा सा एक और बड आ गया, इस तरह से इसको बडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, फैलना. कैसे फैलेंगे वो वी विल डिस्कस. ओके, ईच मेथड वन बाय वन. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाते हैं. ठीक है, फिर ये उड़ते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्यूजन. ठीक है, देखिए फ्यूजन, एज आई हैव टोल्ड यू, फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड करना. ओके, कि सेल जो है वो एक था और वो दो में डिवाइड कर जाएगा. ओके, फ्यूजन मीन्स सेल डिविजन विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. कि सेल कुछ इस तरह से डिवाइड किए कि नए इंडिविजुअल्स क्रिएट हो गए. ओके, सो इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बाइनरी फ्यूजन एंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन होगा जब एक ही इंडिविजुअल दो में डिवाइड करेगा, और मल्टीपल फ्यूजन होगा जब एक इंडिविजुअल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करेगा. वेन टू न्यू सेल्स मीन्स बाई बाई का मतलब ही क्या होता है, टू. ठीक है, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका भी एक स्पेशल तरीका होता है. बाइनरी फ्यूजन भी फर्दर दो तरीके से हो सकता है, या तो इरेग्युलर कैसे मर्जी प्लेन को हो सकता है, इन एनी प्लेन. ठीक है, रेगुलर ओरिएंटेशन होता है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, अगर मींस ऐसे वर्टिकल हो रहा है तो वो हमेशा वर्टिकल ही होगा. लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में कैसा होता है, अगर वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है. ठीक है, तो इरेगुलर का एग्जांपल है अमीबा, एंड रेगुलर या आप डेफिनेट ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, इसका एग्जांपल है लेशमेनिया. लेशमेनिया डोनोवनी क्या होता है, एक ऐसी स्पीशीज है जो कि काला अजार डिजीज होती है उसको कॉज करती है. एंड मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जब एक ही सेल से बहुत सारे न्यू सेल्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह के नए सेल्स डेवलप करते हैं. तो ऐसा आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, मल्टीपल फ्यूजन. ठीक है, तो बात करें अगर, देखिए इरेग्युलर अमीबा की बात करें, अमीबा में जो डिवीजन है वो इरेग्युलर होता है क्योंकि इसकी बॉडी इरेग्युलर है. ये सब जगह से इक्वल प्लेन में डिवाइड होगी और इसी तरह से डिवाइड होगी. इसके अंदर अमीबा का एक सेल है. ठीक है, और बेसिकली हम यूनिसेलुलर की ही बात करें ना, कि एक सिंगल सेल कैसे डिवाइड करेगा, तो ये एक सिंगल सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है. जैसे जैसे क्या होगा, प्रोसीड करेगा प्रोसेस, वैसे वैसे न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और सेल जो है वो खुद को एलोंगेट करेगा, लंबा हो जाएगा. देखिए सेल लंबा हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या करेगा, खुद को एलोंगेट करेगा, डिवाइड होना शुरू होगा. ठीक है, धीरे धीरे न्यूक्लियस जो खुद को एलोंगेट करता हुआ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा. न्यूक्लियस यहां पे डिवाइड किया और फिर क्या होगा, दो हिस्सों में सेल ही डिवाइड कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बीच से जुड़ा रहेगा. एंड अल्टीमेटली एट द एंड स्टेप टू न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, ये अमीबा में है. लेकिन लेशमेनिया की बात करें, अब देखिए इसका शेप ही कुछ स्पेशल तरह का है. इसमें डिवीजन ऐसे को तो अच्छे से नहीं हो सकता, वर्टिकल सेक्शन में अच्छे से होगा, हॉरिजॉन्टल में अच्छे से नहीं हो सकता. तो इस तरह से डिवीजन होगा. इसमें आपको ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फ्लैजेला. फ्लैजेला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेशमेनिया में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से एलोंगेटेड शेप है इसका ऑलरेडी. तो ये जो फ्लैजेला है ये डेवलप करता है दूसरी साइड. जब इसने डिवाइड करना है ना, तो फ्लैजेला दूसरी तरफ भी डेवलप करेगा. क्यों? ताकि जब दो नई बॉडीज बने तो दोनों में फ्लैजेला आए.
ओके, दिस इज द रीजन. सो यहां पर होगा क्या, देखिए इस तरह से एक फ्लैजेला था, फिर ये दूसरी तरफ आया. अब यहां पर आपको दिखेगा कि फ्लैजेला की ग्रोथ होना शुरू हो गई है. यहां भी फ्लैजेला ग्रो किया और ग्रो करेगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियस अल्टीमेटली इसी की तरह डिवाइड करेगा. थोड़ा थोड़ा दूर होगा न्यूक्लियस, ठीक है, मीन्स वो खुद को एलोंगेट करेगा और अल्टीमेटली ये देखिए डिवाइड कर गया. यहां पे डिवाइड कर गया, फिर यहां से ये जो लेश्मेनिया की बॉडी है इसके एंड से, ठीक है, ये जो तीखा शार्प एंड है, यहां से ये डिवाइड होना शुरू हुई. इस तरह से हल्के से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट गेट डिवाइडेड इनटू टू न्यू बॉडीज. ठीक है, इस तरह से दो नई बॉडीज सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, और दो बड़े बड़े फ्लैजेला है जिनमें की न्यूक्लियस भी है सेल्स बॉडी में. ओके, मल्टीपल में क्या होता है, देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे दो या तीन सेल थे और उनसे बहुत सारे सेल्स इस तरह से बन जाएंगे, ऐसा आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है. प्लाज्मोडियम क्या होता है, बेसिकली जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, तभी तो बोलते हैं मल्टीपल पैरासाइट, बहुत आसानी से फैल जाता है मलेरिया, तो इसी वजह से फैलता है, ठीक है, इसलिए सिवियर होता है. इस तरह से डिवीजन इसमें देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिशन. नाउ सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वी विल डिस्कस इज फ्रेगमेंटेशन. देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिवीजन इंटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है, डिवीजन भी नहीं बोल सकते आप, बोल सकते हो ब्रेक डाउन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स एक कोई चीज थी वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे. जैसे शीशे का कप है, अगर वो टूटेगा तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो उनको फ्रेगमेंट्स बोलेंगे. सिमिलरली कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ही बॉडी है लेकिन बहुत सारे हिस्सों में छोटे छोटे पीसेज में वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और वही टुकड़े आगे चलकर एक नया इंडिविजुअल तैयार कर देते हैं, ठीक है. तो जो रीजनरेशन है वो, जो फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है ये देखते हैं, ठीक है. ये मल्टी सेलुलर में हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, है ना, ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पीसेस. जैसे सपोज कीजिए कुछ इंडिविजुअल सिंपल मल्टी सेल होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे. सिंपल मल्टी सेल मीन्स उनमें सिर्फ सेल ही है, ठीक है, इस तरह से सेल 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 प्रेजेंट है, और यही सेल्स क्या करेंगे, टुकड़ों में टूटते जाएंगे, इसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे सेल के. अब यही टुकड़े जो है वो फर्दर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे. ओके, तो ऐसा आपको देखने में मिलता है स्पायरोगायरा में, ठीक है, स्पायरोगायरा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. स्पायरोगायरा एक एल्गी है, उसमें देखने को मिलेगा. कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा मल्टी सेलर ऑर्गे, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में आपको ये था सिंपल मल्टी सेलर और ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हो गया जिनका, जिनमें सिर्फ सेल ही नहीं है. सेल के अलावा देखिए सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है. तो इस तरह से जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसके लिए हर एक ऑर्गन, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, तो हर एक सेल जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा. जैसे लीवर के सेल्स खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो अपना एक्शन खुद दिखाएंगे, किडनी के सेल्स खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे, हार्ट के सेल्स खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से चलेगा. सो स्पेसिफिक सेल टाइप जो है उसमें स्पेसिफिक तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, कि एक ये जो अपने सेल को तोड़ेंगे और वही जो टूटे हुए सेल्स हैं फर्दर न्यू सेल्स में ग्रो अप कर जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेथड, दैट इज रीजनरेशन, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है. रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उससे एक नई चीज पैदा होना, बोलते हैं रीजनरेट. दो वर्ड्स होते हैं, एक डीजनरेट एक रीजनरेट, डी और री, ठीक है. डीजनरेट होता है खत्म होना, रीजनरेट होता है दोबारा से पैदा होना. ओके, सो रीजनरेशन का मतलब है कि ऑलरेडी इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं और उससे न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी. कैसे होगी रीजनरेशन में, क्या होगा, इट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ऑन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल है वो खुद ब्रेक डाउन करेगा इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज प्लेनेरिया. ओके, इट इज इंडिविजुअल प्लेनेरिया, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने ही बॉडी पार्ट्स को इस तरह से तोड़ देगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इस तरह से थ्री डिविजन्स इसके हो जाएंगे. थ्री डिविजन्स जब इसके हो जाएंगे तो हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लेनेरिया, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे. लाइक दिस यू कैन सी, ठीक है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, दिस इज द अंडर प्रोसेस स्टेज, और जब कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे तो आपको सेम ऐसे प्लेनेरिया एंड में देखने को मिलेंगे, थ्री न्यू प्लेनेरिया.
थ्री हाफ्स में इनकी बॉडी डिवाइड की तो थ्री न्यू प्लेनेरिया, जितने हाफ्स उतने ही न्यू रीजनरेशन होंगी. ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल, प्लेनेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन. ओके एंड दीज चेंजेस आर सिक्वेंशियल चेंजेस, मीन्स हमेशा एक सीक्वेंस वाइज चेंज होगी. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म से तीन बन जाएंगे, नहीं, एक पूरा सीक्वेंस है. पहले इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, देन इस तरह से होगा, एंड देन अल्टीमेटली आपके पास तीन ऑर्गेनिजम्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे. ओके नाउ फोर्थ मेथड ऑफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल डिस्कस इज बडिंग. ओके बडिंग नाम से ही पता चल रहा है, बडिंग का मतलब होता है बड का फॉर्मेशन होना. नाउ व्हाट इज बड? बड क्या होता है? एक साइड या प्रोट्रूडिंग आउटग्रोथ होती है. आउटग्रोथ मीन्स एक ऐसी ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की बॉडी से जो बाहर की तरफ को जाएगी. ओके बड इज अ बेसिकली प्रोट्रूडिंग मीन्स बाहर को निकलती हुई लटकती हुई एक आउटग्रोथ है. सो इट इज अ प्रोट्रूडिंग आउटग्रोथ यू कैन से जो बड है. सो इसका एग्जाम्पल, बड डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है हाइड्रा. हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो इसका एग्जाम्पल है. ये देखिए, ये हाइड्रा की बॉडी है. इसमें आपको ये एक रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. हियर यू कैन सी दिस इज जस्ट की बड की फॉर्मेशन अभी इनिशिएट हुई है. नेक्स्ट स्टेप में जैसे सीक्वेंशियल है, ये इवेंट भी कैसे होंगे? बिल्कुल सीक्वेंशियल होंगे. अभी बर्ड की डेवलपमेंट सिर्फ शुरू हुई है. नेक्स्ट स्टेज में बर्ड का क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा. बर्ड एनलार्ज करेगा इस तरह से. ओके मींस क्लियरली विजिबल होगा. नेक्स्ट स्टेज में अल्टीमेटली क्या होगा? ये फुली ग्रोथ आपको बर्ड की, फुली ग्रोन अप बर्ड आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब ये बर्ड जो है अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, बर्ड जो है वो पूरे एक न्यू हाइड्रा में ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक बिल्कुल हाइड्रा के साइज का जब हो जाएगा, तो आफ्टर मैच्योरिटी ये यहाँ से डिटैच कर जाएगा और एक सेपरेट न्यू हाइड्रा की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा. ओके सो इन दिस वे बडिंग टेक प्लेस. और जो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दीज शार्प से स्ट्रक्चर, हेयरी जैसे स्ट्रक्चर हैं, इसके टेंटेकल्स हैं. ठीक है, इससे ये दूसरे इंडिविजुअल्स को कैप्चर कर सकता है. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बडिंग इन हाइड्रा. तो द फिफ्थ मेथड ऑफ मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब यूजुअली क्या होता है? फैलना. इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, फैलने की जैसी ग्रोथ होगी. ठीक है, सो देखिए इसमें क्या चीजें आ सकती हैं. लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग दो मेथड्स होते हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है. लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूजुअली करते क्या है, जैसे जो अपर वाला स्टेम वाला पार्ट है ना, अपर स्टेम वाला, ठीक है, सपोज कीजिए, आपको मैं रफली थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. अगर ये एक छोटा सा प्लांट समझ लीजिए, ट्री है छोटा सा, आप इसको हाफ कट कर दोगे नीचे से और आधा ऊपर वाला पार्ट होगा. ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको किसी और ट्री, अब एक और ट्री होगा उसको भी आप ऐसे ही कट करोगे. ओके सपोज कीजिए इस वाले जो आपने काटा है ट्री, इसमें ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं एंड इसमें ज्यादा कम फीचर्स हैं, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है. ओके सो आप क्या करोगे, इसका हाफ पार्ट काटोगे, इसका हाफ पार्ट काटोगे एंड टू अटेन द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स ही होते हैं, अगर जो प्लांट ज्यादा सुपीरियर होगा उसके बेनिफिट्स दूसरे वाले में ट्रांसफर होंगे. सो यहां पे क्या करोगे, इसका आपने अबव वाला पार्ट काटा ऊपर वाला और इसके ऊपर रख दिया. ठीक है, और इसका ऊपर वाला काटा इसके ऊपर रख दिया, या मत भी रखो, किसी एक को ही ट्रांसफर करके इस तरह से रख दो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर. ठीक है, एंड देन ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, उसको कवर, लेयरिंग मींस उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा दी जाती है. जहां से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे उसको स्पेशल ग्लू या सॉइल यूजुअली यहाँ पे रखी जाती है, सॉइल से उसको रैप कर दिया जाता है एंड देन अल्टीमेटली ग्रोथ यहाँ पे अचीव की जाती है और एक हाइब्रिड बढ़िया वेराइटी का प्लांट तैयार हुआ मिलता है. दिस इज इन वेरी डिटेल. ठीक है, बहुत डिटेल में, ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है यहाँ पर. सो लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग में आप ये चीज याद रख सकते हैं. ऐसा मेथड अटेन कर लिया गया शुगर केन में. रोजेस कलमें लगाई जाती है ना, तो रोज में भी तो ऐसा ही होता है, उसमें कोई रूट थोड़ी ना काटते हैं, अपर बोलते कलम काटते हैं, है ना, स्टेम वाला पार्ट जो है. शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी क्या होती हैं, उसमें बोलते हैं ना क्लाइंबर्स, बेलें होती हैं इसमें,
नेक्स्ट इज इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे फायदा क्या है ऐसा करने से। इससे ग्रोथ भी बहुत फास्ट रेट पे अचीव होती है, ये इसका पहला फायदा है कि जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैं वो नॉर्मल प्लांट के मुकाबले में वेजिटेटिव से अगर आप लगाओगे, मींस लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग करके लगाओगे, तो इनमें फ्लावरिंग एडवांस में होती है। इनमें जो आपके फ्रूट्स लगेंगे वो भी पहले लग जाएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। नेक्स्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किस में किया गया आजकल, बनाना में, जैस्मीन, ऑरेंज, रोजेज में, ठीक है, इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया गया है। नेक्स्ट सेकेंड बेनिफिट इज जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। जो हमें नए प्लांट्स मिलते हैं इससे, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मिलेंगे, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जितने भी प्लांट्स फ्लावर्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, जीन्स सेम होंगे सभी प्लांट्स में, जैसा एक में वैसा दूसरे में होगा। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्लांट। नेक्स्ट सिक्स्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, देखिए स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स बेसिकली थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनकी वॉल्स थिक होती हैं, और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, थोड़े से फूले हुए स्ट्रक्चर्स होंगे, या आप बोल सकते हो चपटे से लेकिन चौड़े से, ठीक है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोल सकते हैं सैक लाइक या फिर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्पोरेंजिया। इनके इनसाइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ही ये स्पोर्स किसी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। होगा क्या, स्पोरेंजिया विल रप्चर, या स्पोरेंजिया जो है वो फटेगा, इधर टूट जाएगा, एंड अल्टीमेटली स्पोर्स आउटसाइड रिलीज होंगे। ऐसा इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस इज अ ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड में फंगस आती है उसको हम राइजोपस बोलते हैं। एंड उसमें आपने देखा होगा कई बार ब्रेड में फंगस आती है, एक जगह थोड़ी सी आ जाए तो वो पूरे ब्रेड में फैलने लगती है, एक पाउडरी सा मास जैसा बन जाता है ना, पाउडरी सब्सटेंस पूरे ऑल ओवर द ब्रेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली दोज आर द स्पोर्स ऑफ द राइजोपस, ठीक है, इस तरह से वो ब्रेक डाउन करते हैं कैसे कैसे, जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता जाएगा, ब्रेड जो है वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तभी खराब होता है ना, बाहर उसको रख देंगे मीन्स रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तब उसमें खराबी आती है। मीन्स स्पोर्स जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएंगे। थिक वॉल्ड क्यों होते हैं, ताकि ये प्रोटेक्शन में रहे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये स्पोर्स बनते रहेंगे और स्प्रेड होते रहेंगे, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो थिक वॉल्स हैं प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जब तक ये कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना जाए, तब तक ये बस ना हो, तब तक इनकी और ज्यादा रिप्रोडक्शन ना हो। ओके, सो दिस इज द राइजोपस। आप देख सकते हैं ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द स्पोरेंजिया। ओके, सैक लाइक और ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ऊपर वाले, इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आए तो स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे बर्स्ट आउट करके। ओके,